हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आपका प्यारा चैनल ISPCS साइंस में आपका मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, BPSC के सीरीज में हम लोग बहुत सारे लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग LY, जिसका मतलब होता है मिश्र धातु, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं LY से बहुत सारे क्वेश्चन PCS में आते हैं और LY को हम अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग पूरा LY का जो भी थ्योरी है और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को हम करेंगे ताकि PCS के हर एक क्वेश्चन जो मिश्र धातु पर आधारित हो, वो सारे क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकें। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, इस तरह का बहुत सारा लेक्चर हम बना चुके हैं। तो आप चैनल पर जाइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर हर एक टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी बनाया गया है और उन पर बेस्ट क्वेश्चन भी कराया गया है, जिससे आप थ्योरी के साथ साथ अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका जो साइंस का जो बेस है, साइंस का जो लेवल है, बहुत ही बेस्ट हो जाएगा और आप रटने की बजाय आप चीज़ों को समझने लगेंगे। और अगर उन चीज़ों को आप समझने लगेंगे तो आपका जो साइंस का जो डर है, साइंस का जो फोबिया है, वो समाप्त हो जाएगा और साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकेंगे और साइंस में आपका इंटरेस्ट भी जग जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं LY को, समझते हैं LY होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, LY होता क्या है, अधिकतर हम लोग देखते हैं धातु को, देखते हैं मेटल को, देखते हैं। लेकिन दोस्तों, मेटल में दिक्कत क्या होता है, मेटल अगर पानी और हवा के कांटेक्ट में आता है तो उसमें जंग लग जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्रोजन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? क्रोजन। तो उसमें जंग लग जाता है। अब उस जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। और मिश्र धातु बनाने से बहुत सारे फ़ायदा हो गए। एक फ़ायदा हो गया है, अब वह जंग प्रतिरोधी हो गया, अब उसमें जंग नहीं लगेगा। दूसरा हो गया जो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, LY का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वह जिस मेटल से बना है उसके मेल्टिंग पॉइंट से क्या हो जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। उसका भी फायदा है, आगे आपको हम बताएंगे। तो इस तरीके से जब हम LY बनाते हैं तो बहुत सारे नए गुण LY के अंदर दिखते हैं जो धातु में नहीं होते हैं। ठीक है, तो LY किसका बनाते हैं दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, मेटल और मेटल या मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, धातु और धातु को मिला दीजिए या धातु और अधातु को मिलाने पर क्या बनता है, LY बनता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर आप LY को देखिएगा तो उसमें LY में जितने भी तत्व होंगे वो कैसे तत्व होंगे, तो डी ब्लॉक का तत्व होंगे, डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है दोस्तों, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही देखिएगा अधिकतर आपको मिलेगा LY के फॉर्मेशन में। ठीक है, समझ गए, धातु और धातु को मिला दीजिए या कभी कभी धातु और अधातु को मिलाने पर भी LY का निर्माण होता है, मिश्र धातु का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्लियर है। अब LY क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, LY एक तरह का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी और समांगी। तो यह समांगी मिश्रण का उदाहरण है, कौन? LY। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, LY का दो गुण ध्यान रखेंगे दोस्तों। LY जो होता है क्रोजन रेसिस्टेंस होता है, मतलब यह जंग प्रतिरोधी होता है, इसमें जंग नहीं लगेगा। उसके बाद LY का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह प्योर मेटल से क्या होता है, कम होता है। मान लीजिए आयरन में कार्बन मिला के आप स्टील बनाते हैं, तो स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो आयरन से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, कौन कौन से LY हम लोगों को याद रखना है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है और ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पे बेस्ट जो भी पॉइंट होगा, सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे रखे हैं, जिसको आप आसानी से समझिएगा और आने वाले जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट हम लोग का दोस्तों कॉपर और टीन, कॉपर और टीन, कॉपर और टीन का जब हम LY बनाएंगे दोस्तों तो वो क्या बनेगा, ब्रॉन्ज बनेगा, जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, कांसा बोलेंगे। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल क्या है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अधिकतर LY में देखिएगा आपको कॉपर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, कौन सा ऐसा धातु है जो अधिकतर LY के निर्माण में इस्तेमाल होता है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉपर। तो कॉपर और टीन मिलाकर दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, इससे पहले वाले लेक्चर में हम धातु और अधातु का, धातु अधातु और उपधातु को कैसे पहचानते हैं और किसका क्या सिम्बॉल होता है, वो सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, उनको आप अच्छे से देख लें। क्योंकि होता क्या है, जब एलिमेंट का नाम लिखेंगे तो टाइम ही लगता है और एलिमेंट का नाम लिखना वो हमारे लिए उतना सुविधाजनक होता नहीं है। जब ज़रूरत पड़े तभी एलिमेंट का नाम लिखिए, अन्यथा आप उसका सिंबल ही यूज करेंगे। जो भी तत्व हैं उनके सिंबल आपको याद रहना चाहिए, जो यूज होते हैं और कौन कौन यूज होते हैं, इसे पिछले वाले लेक्चर में जाएगा तो वहाँ पर वो सारा चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आप जानते होंगे CU से कॉपर होता है और SN से क्या होता है, टीन होता है। ठीक है, तो कॉपर और टीन मिलकर क्या बनाएगा, ब्रॉन्ज बनाएगा, जिसको हिंदी में बोलेंगे कांसा। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है दोस्तों, तो कॉपर और टीन से ब्रॉन्ज बन गया, तो कांसा का इस्तेमाल हम लोग दोस्तों बर्तन बनाने में करते हैं और एक उपयोग हम लोग इसको घंटी बनाने में करते हैं। ठीक है,
अगला दोस्तों लीड और टीन, लीड और टीन मिलकर क्या बनता है, सोल्डर बनाता है, जिसको हिंदी में हम लोग टाका बोलते हैं। दोस्तों इसका नाम ही है टाका, टाका का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है दोस्तों। तो आप देखे होंगे कंप्यूटर्स हो, मोबाइल्स हो, जितने भी गैजेट्स होते हैं उसमें छोटा छोटा जो पॉइंट्स होता है उनको जोड़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों बहुत बहुत कम होता है, उसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो वो पिघल जाता है और बहुत जल्दी सूख भी जाता है, तो वो बहुत जल्दी पिघल जाता है क्योंकि लीड और टिन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन जब उनको मिला के सोल्डर बना देते हैं तो सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं डिवाइस में, गैजेट्स में, उन सभी को जोड़ने के लिए सोल्डर जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं एलवाई, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक मिलकर क्या बनाता है, ब्रास बनाता है, जिसको हिंदी में हम लोग पीतल बोलते हैं, ठीक है। और इसका भी इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, बर्तन में करते हैं। बहुत सारे बर्तन देखे होंगे घर में पीतल का होता है, और पहले के समय में आप देखिएगा हमारे पूर्वज लोग जो थे, दादा परदादा जो थे, वो खास तौर पर पीतल के बर्तनों में ही खाना खाते थे या पानी पीते थे, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग कॉपर जिंक और निकल। कॉपर जिंक निकल से मिलकर क्या बनता है, जर्मन सिल्वर। दोस्तों ये एग्जामिनर के लिए बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में देखिए दोस्तों नाम में तो सिल्वर है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे देखिए यह जिस धातु से बना है उसमें सिल्वर है ही नहीं, तो ये बहुत ही चकमा देने वाला क्वेश्चन है। ये बार बार पूछा जाता है जो जर्मन सिल्वर में सिल्वर का मात्रा कितना है दोस्तों, तो सिल्वर तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो सिल्वर का मात्रा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका खास ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कॉपर जिंक और टीन। ध्यान रखेंगे कॉपर जिंक और निकल हो जाएगा जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक और टीन हो जाएगा आपका गन मेटल, ठीक है। यह भी एक तरह का एलवाई होता है। अच्छा अगला हम लोग देखते हैं आयरन प्लस कार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टील, स्टील कैसे बनता है, तो आयरन में हम लोग कार्बन को मिक्स करते हैं, और स्टील को हिंदी में क्या बोलते हैं, इस्पात बोलते हैं। और स्टील का हम लोग जानते हैं घर में यूज़ होता है, बालकोनी का जो रेलिंग होता है उसको बनाने में यूज़ होता है, तो स्टील का बर्तन भी होता है, यूटेंसिल भी होता है, ऑटोमोबाइल में भी यूज़ करते हैं, बहुत सारा यूज है इसका, ठीक है। तो उन यूज को खास ध्यान रखेंगे जो बहुत ही यूनिक होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, बाकी सब तो जनरल है। उसके बाद दोस्तों अगला हम लोग ध्यान रखेंगे आयरन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज। ये चारों मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगा, निक्रोम का फॉर्मेशन करेगा दोस्तों। निक्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, हीटिंग एलिमेंट्स है। जैसे आयरन में इसका इस्तेमाल होता है, निक्रोम क्या होता है दोस्तों, जब इसको हीट करेंगे तो ये ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आयरन में इस्तेमाल करते हैं, और जब ये गर्म हो जाता है तब हम लोग कपड़े पर आयरन कर पाते हैं, ठीक है। तो निक्रोम जो होता है दोस्तों बहुत ही कठोर होता है, और जो होता है इसका प्रतिरोध जो होता है बहुत ही हाई होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, गलनांक बिंदु इसका बहुत उच्च होता है, जिसकी वजह से ये जल्दी पिघलता नहीं है, और इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग हीटिंग एलिमेंट्स में करते हैं, जैसे आयरन में करते हैं और हीटर में करते हैं, और पानी गर्म करने वाला जो हीटर रहता है उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो निक्रोम का हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों स्टेनलेस स्टील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों स्टील आप ध्यान रखेंगे आयरन और कार्बन मिलाने से क्या बन गया, स्टील बन गया। अब देखिए स्टील में कुछ और चीज़ को मिला देना, जैसे आयरन और कार्बन तो है ही, उसके बाद क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। निक्रोम को आप ऐसे याद कीजिएगा, फिकर नहीं मन में, ठीक है, फिकर नहीं मन में। और स्टेनलेस स्टील में बस आपको एक कार्बन मिला देना है, तो इसको याद करने का तरीका हो जाएगा फिकर नहीं मन को, फिकर नहीं मन को ऐसे याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सा चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए आयरन का प्रतिशत जो होता है स्टेनलेस स्टील में सबसे अधिक होता है, अच्छा क्रोमियम इसमें 10% होता है, निकेल आपका 0.8% होता है, मैग्नीज आपका 0.35% होता है, कार्बन 0.25% होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ बात का ध्यान रखेंगे, जैसे क्रोमियम इसमें हम लोग मिलाते हैं तो अधिक ताप सहने में सक्षम होता है, कौन, क्रोमियम, इसलिए क्रोमियम को मिक्स कर देते हैं। निकल क्यों हम लोग मिलाते हैं, तो निकल का फ़ायदा क्या है, नॉन मैग्नेटिक बनाता है, ठीक है। यह एलवाई को क्या बनाता है, अचुंबकीय बनाता है, कौन, निकल। तो क्रोमियम क्या करता है, अधिक ताप सहने में सक्षम है, निकल क्या करता है, अचुंबकीय बनाता है एलवाई को। और कार्बन क्या करता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है दोस्तों, एलवाई जो होता है उसको कठोर बनाता है, कौन, कार्बन, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला एक पॉइंट ध्यान रखेंगे ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन जो होता है दोस्तों यह अल्मोनियम का एक एलवाई है, जो वायुयान के समान बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों कुछ पॉइंट्स को हम लोग ध्यान देंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाने की पूरी संभावना रहता है। देखिए हाइएस्ट अमाउंट ऑफ कॉपर इज फाउंड इन ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में पूरे एलवाई में सबसे अधिक कॉपर किस में इस्तेमाल होता है, तो ब्रॉन्ज में, ध्यान रखेंगे ब्रॉन्ज में कॉपर का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, और कितना होता है,
लगभग ये आपका 88% होता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट ध्यान रखेंगे, ब्रास बिकम्स येलो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखे H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के उपस्थिति में पीतल जो होता है दोस्तों वो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, क्योंकि उसका क्रोजन होने लगता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ध्यान रखेंगे, टू एवॉइड ब्रास फ्रॉम कॉपर कॉन्टिमिनेशन इट इज कोटेड विथ लेयर ऑफ टिन। ताम संदूषण से बचने के लिए पीतल पर सामान्यतः टीन की परत चढ़ाई जाती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है देखिए, जब हम कॉपर का अगर हम पाइप लेंगे उससे जब पानी पास करेगा तो होगा क्या, कॉपर के अंदर भी जंग लगना स्टार्ट होगा और कॉपर के पार्टिकल्स पानी में घुलने लगेंगे। तो जो कॉपर के पार्टिकल्स है वो दूसरे में सब्सटेंस में मिक्स होने लगेंगे, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ताम्र संदूषण। अब इसे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉपर का जो जंग लग रहा है, कॉपर में जो क्रोजन लग रहा है उसको रोकना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉपर के ऊपर जो है एक लेयर बना देंगे, एक एक परत बना देते हैं, किसका, टीन का, ठीक है। अब अगला देखें, गैल्वेनाइज्ड आयरन। दोस्तों जंग को बचाने के लिए, क्रोजन को बचाने के लिए हम लोग बहुत सारा उपाय करते हैं, पेंटिंग करते हैं, एलोवाई बनाते हैं, ठीक है, किसी दूसरे धातु का परत जो है किसी एक धातु पर चढ़ा देते हैं ताकि वो धातु का क्रोजन हो, लेकिन जिस धातु पर चढ़ा है वो क्या हो जाए, सुरक्षित हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो कॉपर को बचाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, टीन का उपयोग करते हैं, और टीन का जब हम कोटिंग कर देंगे तो कॉपर बच जाएगा, तो टीन अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, टीन का बलिदान चढ़ जाता है, किसको बचाने में, कॉपर को बचाने में, क्योंकि टीन जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। तो जो क्रियाशील धातु होते हैं दोस्तों उसको कोटिंग के रूप में, उसको परत के रूप में चढ़ा दिया जाता है और वह अंदर वाले धातु को क्या रखता है, सेफ रखता है, ठीक है। अब देखिए गैल्वेनाइज्ड आयरन, अब आयरन को बचाना है तो आयरन को बचाने के लिए हम लोग किसका परत चढ़ाते हैं, जिंक का, ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयरन के ऊपर जब हम जिंक का लेयर चढ़ा देंगे, जिंक का परत चढ़ा देंगे तो आयरन सेफ हो जाएगा, और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, और इस लोहा को हम लोग क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइज्ड आयरन, या इसी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे गैल्वेनीकृत लोहा, ठीक है। तो सिंपल ध्यान रखिएगा, आयरन के ऊपर किसका लेयर बनाना है, जिंक का। अगला है एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग क्या है दोस्तों, अल्मोनियम के ऊपर बनाना है अल्मोनियम ऑक्साइड, तो अल्मोनियम के ऊपर जब हम अल्मोनियम ऑक्साइड का जब लेयर बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एनोडाइजिंग, ठीक है। तो एनोडाइजिंग मतलब अल्मोनियम के ऊपर अल्मोनियम ऑक्साइड का चदरा चढ़ाना। अगला है दोस्तों याद रखेंगे अमलगम, अमलगम का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों एलवाई हम लोग बना रहे हैं, अब एलवाई में ध्यान रखना है जब हम मरकरी का एलवाई बनाएंगे किसी दूसरे धातु के साथ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमलगम। अमलगम का मतलब हो गया इसमें मरकरी का रहना, पारा का रहना एकदम अनिवार्य है, ठीक है। तो पारा का जब किसी दूसरे धातु के साथ मिलाकर मिश्र धातु बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमलगम बोलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है मरकरी जो है किसके साथ अमलगम नहीं बनाता है, तो देखिए सबके साथ बनाएगा, लेकिन ये जो तत्व आपको दिख रहे हैं उसके साथ नहीं बनाएगा। जहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था आयरन के साथ बनाता है कि नहीं बनाता है, क्योंकि आयरन ही पूछेगा कि सब में फेवरेट कौन है, आयरन है, तो अमलगम जो है मरकरी आयरन के साथ अमलगम नहीं बनाता है, तो ये सारे तत्व नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हैं आप, नहीं तो आप आयरन भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, कोई ध्यान रखिएगा। सुनो फेंको नहीं पीटो, मतलब उस चीज़ को, उस आदमी को फेंको नहीं उसको पीटो, ठीक है। तो सुनो फेंको नहीं पीटो, इस तरीके से आप याद रखेंगे। अगला है दोस्तों पॉइंट प्योर गोल्ड, देखिए दोस्तों जो हम लोग सोना इस्तेमाल करते हैं, जो ज्वेलरी के रूप में, जो आभूषण के रूप में, हम लोग जो घर में जो लेडीज़ होती हैं, जो औरतें होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, जो सोने का इस्तेमाल करती हैं, वो वास्तव में वो प्योर गोल्ड नहीं होता, वो शुद्ध सोना नहीं होता है, हम सभी जानते हैं। शुद्ध सोना क्या होता है दोस्तों, शुद्ध सोना का मतलब होता है 24 कैरेट, कैरेट क्या है दोस्तों, तो शुद्धता, सोने का जो शुद्धता मापते हैं, प्योरिटी जो मापते हैं उसका यूनिट होता है कैरेट। 24 कैरेट अगर कोई सोना है इसका मतलब वो शुद्ध है, ठीक है। अब 24 कैरेट जो सोना होता है वो क्या होता है, मुलायम होता है, और मुलायम अगर है तो उसका हम लोग इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, दिक्कत हो जाएगा। अगर कान का बनवाएंगे तो नंबर के नाक का हो जाएगा, नाक का बनवाएंगे तो कुछ और चेन टाइप का हो जाएगा, है कि नहीं, चेन टाइप का बनाएंगे तो और नीचे नंबर जाएगा, क्या कुछ सॉफ्ट है। अब उसको हार्ड करना, हार्ड करेंगे तभी तो अपने आकार में रहेगा, बदलेगा नहीं, सॉफ्ट रहेगा तो उसका आकार बार बार बदलता जाएगा। उसको हार्ड करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, 22 कैरेट गोल्ड में 2 कैरेट जो है चांदी या 2 कैरेट कॉपर को मिला देते हैं, ठीक है। सिल्वर मिला दीजिए या कॉपर मिला दीजिए, तो अब ये सोना जो है यह आपका क्या हो गया, हार्ड हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सोना में हम लोग क्या मिला रहे हैं, सिल्वर मिला रहे हैं, तो यह भी एक तरह का क्या हो गया दोस्तों, एलवाई हो गया। तो जो मार्केट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो वास्तव में वो शुद्ध सोना नहीं होता है, वह मिश्र धातु होता है, किसका, 22 कैरेट गोल्ड का 2 कैरेट सिल्वर के साथ। ऐसे ध्यान रखिए, मतलब 22 ग्राम अगर आप सोना लीजिएगा तो 2 ग्राम उसमें आपको क्या मिलाना पड़ेगा,
सिल्वर या कॉपर मिलाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम लोग ज्वेलरी के रूप में करते हैं, ज्वेलरी में करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सब पॉइंट्स हम लोग सीख लिए। दोस्तों एक आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत सारा हिंदी टर्म और इंग्लिश टर्म यहाँ पे आया है, तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए जो मूल बात है उसको हिंदी में भी ध्यान रखें और इंग्लिश में भी सिंबल के साथ, क्योंकि ये केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कॉपर का सिंबल क्या है, सिल्वर का सिंबल क्या है, सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर को हम लोग तांबा कहते हैं, ताम्र भी बोलते हैं, तो ये पॉइंट्स को भी आपको ध्यान रखना है। और इंग्लिश जो वर्ड है कॉपर उसको भी ध्यान रखना है सिंबल के साथ, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। क्योंकि दोस्तों कहीं कहीं पर ऐसा होता है जहाँ पर हिंदी से काम नहीं चलता है, वहाँ पर इंग्लिश ही काम करता है। इसीलिए टर्म को ध्यान रखिए, बढ़ रहा है घट रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, इस्तेमाल ये सब हिंदी में ध्यान रखिए, लेकिन टर्म को आप कोशिश कीजिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में ध्यान रखिए। तांबा तांबा याद रखिए, लेकिन कॉपर भी याद रखिए, सिल्वर जो होता है चांदी भी याद रखिए और सिल्वर भी याद रखिए। उसके बाद जैसे जिंक होता है, जस्ता होता है, रजत भी होता है उसका, तो दोनों बात याद रखिए जिंक का, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग एलवाई क्या होता है उसके बारे में हम लोग सारा चीज़ जान गए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए, ताकि और भी दोस्त इस चैनल से जुड़ सके और उनका भी फाउंडेशन आपकी तरह मजबूत हो सके। तो दोस्तों फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इसको पढ़िए और कॉपी में अपने नोट्स कीजिए, ठीक है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।